चल। सर मे आई प्लीज हैव 5 मिनट्स ऑफ योर टाइम? यस प्लीज टेल मी। सर दिस इज रबिश। व्हाट डू यू मीन रबिश? सो व्हाट आई मीन टू एक्सप्रेस इज वेयर इज योर टाई फ्रॉम? टाई? आई डोंट रिमेम्बर। एंड व्हाट अबाउट योर जैकेट? कहीं बाहर से आई थी, मुझे याद नहीं है। ओके सर, वेयर इज योर वॉच फ्रॉम? आई थिंक आई बॉट दिस इन इटली। आह, इटालियन। एंड सर सिर्फ ये लग्जरी आइटम्स ही नहीं, ये सोफा, आपका जैकेट, मेरा सूट, आई बेट इवन माय बेल्ट इज इंपोर्टेड। व्हाट डू यू वांट टू से? सर साइकिल से लेके स्विंग मशीन तक एवरीथिंग इज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। माय एजुकेशन इज आल्सो फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। हम लोग इंडिया में कुछ बनाते ही नहीं है। अ कंप्लीट मोरॉन वंस सेड टू मी सर कि मेरा इंस्टीट्यूट किसी काम का नहीं इफ इट इज नॉट फॉर अ ग्रेटर गुड, इफ इट डजंट सॉल्व द बिगर पिक्चर। और मैं इसे बदलना चाहता हूं। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। या द प्लान सर, प्लान काफी सिंपल है। जिस रिसर्च की मैं बात कर रहा हूं दैट विल इनएविटेबली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, जिससे नए नए रोजगार पैदा होंगे, बिजली पैदा होगी। आज भले हम लोग अपनी बेल्ट एंड टाइज इंपोर्ट कर रहे हैं सर, बट विद एनर्जी इंडिपेंडेंस वी कैन क्रिएट द फ्यूचर। हम लोग नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग नए नए रोजगार पैदा कर सकते हैं। सर इंडिया को जरूरत है इलेक्ट्रिफिकेशन की। आप भले ही मुझे ये ग्रांट दें या ना दें, बट आई प्रॉमिस यू इफ देयर इज अ बेटर प्रपोजल फॉर अ बेटर इंस्टीट्यूट, आप उसको ये ग्रांट दो। एंड सर मैं आपसे वादा करता हूं दैट आई विल बी द फर्स्ट वन अप्लाइंग फॉर द जॉब देयर। सर बट विद दीज प्रोस्पेक्ट्स इन माइंड आई पर्सनली डू बिलीव एंड आई वांट टू कीप माय प्रपोजल अहेड इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन दैट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मस्ट बी बिल्ट। Thank you, homie. We'll think about it. That's my 5 minutes.